फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ और बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ और दिशानी को तैयार करके भेज दिया है मम्मी के साथ। तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज हमें जाना है छोटे से एक प्रोग्राम में, तो वही पे जा रहे हैं। तो मम्मी पापा वो लोग निकल गए हैं दिशानी को लेके और मैं घर पे तैयार होके, ये रहा दिशानी का सारा सामान पैक करके, उसका थैला वेला जो भी है तो सारा सामान पैक करके अब मैं भी निकल रही हूँ। और दिशानी के वजह से मैं मतलब बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी सारा काम। तो बस अब ये देखिए, मैंने ये वाला साड़ी पहन लिया है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरे दूसरे ब्लॉग में ये साड़ी, पर मैंने ब्लाउज चेंज करके पहना है क्योंकि गर्मी का टाइम है, इसलिए मैंने कट स्लीव भी पहना है। तो अब मैं निकल रही हूँ, तो चलिए आप लोग भी वहाँ पे जाती हूँ और दिखाती हूँ जो भी हो सके वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, बाहर इतनी धूप है, बहुत तेज धूप है और इस धूप में निकलने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि धूप के वजह से है ना, सुबह से बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, पर धूप इतना है कि पूछिए मत, जल जाऊंगी आधे घंटे अगर धूप में खड़ी रहूं तो। तो बस अब निकल रही हूँ और पापा आएंगे शायद मुझे आधे रास्ते लेने, तो मैं घर से तो निकल जाती हूँ। पूरा गेट भी बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है। तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ पापा कहाँ तक आते हैं। और दिशानी को मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाई, बस जस्ट उसको कपड़े वपड़े पहना के भेज दिया क्योंकि वो सोती है ना, उसके बाद ही तैयार हो पाता है और वो सोई नहीं है, तो इसी वजह से मैं उसको तैयार भी नहीं कर पाई। और इतनी धूप है, ऐसा लग रहा है कि जल ही जाऊँगी, तो चलती हूँ। मम्मी ने मुझे कुछ बोला नहीं है कि मुझे लेने भी आएंगे कि नहीं आएंगे, शायद आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूँ वहाँ पे क्या प्रोग्राम है। तो वहाँ पे प्रोग्राम ये है कि वो मेरी नानी का घर है, मतलब गांव के अंदर ही है, तो नानी लगती है, तो उनके जो बेटे हैं उनकी आज शादी पक्की होने वाली है, तो वही बस सब लोग आएंगे तो शादी पक्की करेंगे, तो इसी वजह से छोटा सा एक प्रोग्राम है, तो वहाँ पे बुलाया है तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखिए पापा आ गए हैं, तो वो देखिए पापा मम्मी को छोड़ के और दिशानी को छोड़ के मुझे लेने आ गए हैं और मैं भी यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो बस अब बैठ गई हूँ गाड़ी में और अभी बस पहुँचने की देरी है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ और पहुँच के देखा केवल कीने और भी बच्चों के साथ दुकान, मम्मी उसको लेके बैठी हुई ज्योति की दुकान पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर मम्मी दिशानी को लेके और बच्चों को लेके मतलब अंदर बैठी हुई है। अंदर कूलर चल रही है तो थोड़ी सी ठंडी है इसी वजह से, और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, साइड में खाना वाना बन रहा है तो उस चीज़ की भी गर्मी है एक, तो इसी वजह से दिशानी को लेके यहाँ पर बैठे हुए रखी है। एक छोटी सी लड़की है, तो ये है इस घर की लड़की, मतलब मेरी नानी है उनका लड़का है, तो उनकी लड़के का लड़की है, तो इसका नाम है मैगी। तो देखिए मैगी भी हनी निप्पल ले रही है, तो दिशानी का देखने के बाद मैगी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसको भी ला के देना पड़ा, तो बस वो भी वही ले रही थी। वो सोचती थी कि पता नहीं इसमें क्या है, या फिर पहले वो लेती भी थी शायद, इसी वजह से उसको याद आ गया। तो बस देखिए वो मोबाइल से खेल रही है, इसी वजह से कार्टून वार्टून देख रही है, तो दिशानी को भी मोबाइल चाहिए तो इसी वजह से उसको भी दिया है। और मैं गर्मी में आई हूँ तो मुझे बहुत तेज़ लग गई थी प्यास, तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ पानी, और पानी पी के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी से आई हूँ धूप में, तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर दिशानी खेल रही है और मम्मी बातें बातें कर रही है, और यहाँ पे देखिए मैगी भी मोबाइल में कार्टून देख रही है, वो देखिए और कैसे देख रही है वो। तो मैगी की मम्मी जो है वो बोल रही है कि वीडियो बना रही है वो देखो, तो देखो वो मोबाइल की तरफ देख के हंस रही है, और दिशानी तो अपने ही धुन में है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है वो। तो बस अब दिशानी को लग गई थी भूख, तो मम्मी दूध लेके आई थी, मतलब मैं लेके आई थी, तो फिर जाके मम्मी यहाँ पे दिशानी को दूध पिला रही है। और दिशानी तो लोगों को देखने के बाद उसको तो बड़े मज़े आ रहे थे, बस सबके तरफ देख रही थी, मस्ती कर रही थी, यही सारा चीज़ें चल रही थी। और इस रूम में कोई भी नहीं है, मैं दिशानी को लेके हूँ और
मेरी बाद बाकी बाहर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और गर्मी तो पूछिए मत, कोई प्रोग्राम होती है तो उस घर में तो पता नहीं और अलग से गर्मी लगती है बहुत तेज। तो हम लोग बैठे हुए थे तो बैठे बैठे थक गए थे, तो फिर जाके यहाँ पे मैं, मम्मी और मम्मी की एक बचपन की सहेली है, तो ये हुई मेरी मौसी, तो हम लोग जा रहे थे। और ये मेरी मम्मी के पापा का गांव है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मम्मी मौसी सब लोग है। तो आप लोग सोचोगे, हमेशा बोलती है मम्मी मौसी मामा, तो देखिए यहाँ पे सब लोग, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और मौसी है तो दिशानी को लेके बैठी हुई थी नीचे, और ये है मौसी की बहू। तो बस हम सब लोग बैठे हुए बहुत देर तक बातें कर रहे थे। बातें करते करते फिर जिस घर में प्रोग्राम है उस घर से नानी आ गई थी, और नानी आके बोल रही थी कि चलो घर, अभी खाना वाना खाना है ऐसा करके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बैठे बैठे मम्मी की तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी, तो फिर जाके हम लोग फाइनली निकल गए। तो ये देखिए निकल गए हैं, और ये है मेरे साइड में जो दिख रही है वो मौसी है, मेरी एक मौसी लगती है। और ये मौसी और हम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो बस अब बातें करते करते मैं हंस रही थी, मुझे याद नहीं है क्या बातें हैं। तो बस बातें करते करते हम लोग पहुँच गए, और पहुँचने के बाद फिर बस तो पहुँचने के बाद ही खाना खाने बैठ गए हैं। तो हम लोग खाना खाने छत पे पहुँच गए थे, तो छत पे भी मतलब रूम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे खाना खा रहे थे। तो देखिए मौसी और मैं, हम दोनों बैठ के खा रहे थे अलग से, और सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, और मम्मी दिशानी को लेके नीचे बैठी हुई थी। पहले मैं खाना खाऊंगी फिर आएगी मम्मी खाना खाने, नहीं तो फिर दिशानी को कौन पकड़ेगा ऐसा करके। तो ये देखिए मौसी और मैं बहुत देर तक खाना खाए, और खाना खाते खाते लेट भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। और ऊपर के रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा ठंडा माहौल है यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद मैं चली गई नीचे, क्योंकि मम्मी को भी भेजना था ऊपर खाना खाने, तो इसी वजह से मैं नीचे जा रही हूँ। और यहाँ पे है ना सीढ़ी बहुत खतरनाक है, तो बहुत ध्यान से उतर रही थी मैं। तो देखिए नीचे आने के बाद मम्मा चुन चुन, तो देखिए अभी मैं खाना खा के आई हूँ, और दिशानी यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही है। ओ, तो देखिए यहाँ पर सारे बच्चे मस्ती करते करते सो गए, और मैं अकेली अकेली बैठे बैठे मोबाइल देख रही थी, मोबाइल में कुछ देख रही थी। और मम्मी अभी तक आई नहीं खाना खा के, बहुत देर कर दिया मम्मी, तब तक तो बच्चे ही सो गए। तो देखिए फाइनली मम्मी आ गई है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर, और बहुत देर तक बैठे हुए थे मम्मी के आने के बाद भी। तो बस अब घर निकल रहे हैं, और धूप बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी जाएगी सीधा यहाँ से दुकान, क्योंकि मम्मी का दुकान भी खुला हुआ है, तो वहाँ पे मम्मी जाके बैठेगी। तो यहाँ पे चप्पल वप्पल ढूंढ के हम लोग पहन रहे थे और फिर निकल गए। तो यहाँ से दुकान तक तो गाड़ी से ही जाएंगे, तो कोई छोड़ने जाएगा शायद। तो देखिए पहले है ना मेरी मम्मी की दुकान 10 सालों तक यहीं पे था, और फिर जाके हम लोगों ने नया दुकान उधर लिया, नहीं तो पहले मम्मी का दुकान किराए से ही चलता था और यहाँ पे चलता था। ये जो मेरे पीछे दुकान दिख रहे हैं आप, तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं आ गई हूँ मेरे मामा जी के घर पे, धूप से चल चल के आई थी, और यहाँ पे अंधेरा है इसीलिए क्या है। थैंक यू। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं घर तक जाऊँगी, तो मम्मी भी दुकान तक आई है, तो मैं पीछे मामा जी के घर आई हूँ। और ये देखो दिशानी, तो नानी के घर से दुकान तक तो गाड़ी में ही आए थे, और फिर जाके दुकान से मामी के घर तक आई हूँ पैदल चल के। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और यहाँ मम्मी और मैं, हम दोनों बैठ के बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी बातें, ख़त्म ही नहीं होती बातें, मतलब एक जगह पे औरतें मिलते हैं तो इसी वजह से बातें करने के बाद दिशानी भी देखिए खेल रही है, और उसको थोड़ा बहुत दूध वूध भी पिला दिया है। और मैं बहुत ज़्यादा देर और रुकती शायद, पर दिशानी का दूध भी ख़त्म हो गया था और मामी ने दिया था दूध, पर भैंस का दूध है इसीलिए मैंने ज़्यादा भी नहीं पिलाया, क्योंकि क्या पता उसको हजम भी हो कि नहीं हो। तो देखिए अब मामी के घर से अपने घर तक, मतलब हमारे घर तक मैं पैदल ही जा रही हूँ, और धूप बहुत तेज़ है तो मैं जल्दी जल्दी ही चल रही हूँ।
और मेरे साथ जा रही है परिधि। तो परिधि और मैं और दिशानी हम लोग जस्ट अभी जल्दी जल्दी चल के घर तक पहुंच रहे हैं। और दिशानी को भूख लग आई बहुत ज़ोर से, क्योंकि उसको जितना सा दूध लेके गई थी वो ख़त्म हो गया था और मामी ने थोड़ा सा दिया था तो उसको पिलाया, और फिर मैंने ज़्यादा नहीं पिलाया क्योंकि भैंस का दूध है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग घर तक तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अब घर पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा धूप है, बापरे मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब जाके सीधा कूलर के सामने आराम से दिशानी को रखूँगी, फिर दूध वूध पिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स घर पे आने के बाद चेंज कर लिया है और दिशानी को भी चेंज करवा दिया है और दूध पिला के उसको सुला दिया है, वो भी सो रही है और अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।